नमस्ते भारत, सलाम भारत, हेलो भारत। आज 10 कदम में आएंगे त्योहार जैसे रंग, क्योंकि आज हमारे साथ हैं लव रात्रि फिल्म के 4 प्लेयर्स। पहले बुलाते हैं उस जोड़ी को जो फिल्म में पापा बेटी का किरदार निभा रहे हैं। जोड़ी नंबर 1, रोनित रॉय एंड वरीना हुसैन। वरीना, डोंट वरीना। इसके पहले कि हम आपके साथ आपकी फिल्म के बारे में बात करें, मैं बुलाना चाहता हूं जोड़ी नंबर 2 को, जो फिल्म में बने हैं मामा भांजे, राम कपूर एंड आयुष शर्मा। मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों ने एक शो होस्ट किया था जी, हाँ, ये तो नहीं होगा ना इस शो के अंदर? अच्छा हाँ, इन्होंने टॉकिंग अबाउट द भाई, देखो साफ साफ बोल देता हूँ जो भाई कह रहे हैं, मैंने एक शो में मिस्टर रोनित बोस रॉय को एक चुम्मी दी थी, चुम्मी। आप लोग चाहते हैं कि फिर से दूं? जी सर, जी सर, हमने नहीं देखी, हमने नहीं देखी, हमने नहीं देखी। आना सर, सर, ला 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 ला, अरे मत, सर, अरे आ जाए इसको। अच्छा अच्छा, ऑन द चीक, नाइस वन, छोटी सी। यार इतनी बड़ी बेटी का भाई भाई बोल रहे हैं, शर्म कर यार। अरे नहीं, इनके शो पे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये बड़ा ही हैप्पी शो है। तो आप लोग कौन से नोबल कॉज के लिए खेलना चाहेंगे? बीइंग ह्यूमन। आई थिंक हाँ, बीइंग ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन के लिए आप खेलेंगे। यस सर, बीइंग ह्यूमन के लिए आप खेलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। तो दो दमदार जोड़ियां हमारे साथ खेलेंगी आज 10 का दम का नॉकआउट राउंड, रोनित वरीना वर्सेस राम एंड आयुष। सो 10 कदम में आपके साथ पहले खेलेंगे एक नॉकआउट राउंड। इस राउंड में है 7 अनोखे सवाल, जिस टीम के ज्यादा अनुमान करेक्ट होंगे वो हो जाएंगे लाइट इयर्स अहेड और खेलेंगे हमारे साथ सुपर सवाल। सो लेट्स प्ले 10 का दम। आपका पहला प्रश्न ये रहा, कितने प्रतिशत भारतीय पतियों ने कभी बाहर जाने से पहले केवल समय बचाने के लिए, ओनली टू सेव टाइम, अपनी पत्नी से ये झूठ कहा है कि वो बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी दिख रही हैं? बहुत लोगों ने बोला। What percent of Indian husbands have at least once before going out lied, झूठ बोला है to their wife by saying that they look nice just to save time? ये फंसाने वाला क्वेश्चन है भाई। देखो हमारी तो कोई पत्नी है नहीं, तो झूठ का सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन पत्नियां यहां पे हैं, दोनों पति और इनके पास भी। You lie to my sister? वही बोल रहा हूँ भाई, फंसाने वाला क्वेश्चन है ये। माई सिस्टर इज मैरिड अ लायर, झूठा। राम, मैंने झूठ नहीं बोला, मैं सिर्फ सच बोलता हूँ, कभी नहीं बोला। क्यों हंस रहे हो आप लोग, क्यों हंस रहे हो?
कौन हंसा? झूठ नहीं बोला मैंने। मेरी बीवी अच्छी दिखती है जब बाहर जाती है, मैं तो सच्ही बोलता हूँ। हाँ बीवी अच्छी दिख रही हूँ। वो देख के बोलता है या बिना देखे बोलता है? बिना देख के। मैं बताता हूँ इसमें क्या है भाई। देखो पतियों सीख लो, इसमें पॉज नहीं लेना चाहिए। बेबी क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ? हाँ, इमीडिएटली बोलो, खुश हो जाती है, फिर चुपचाप बाहर चले जाओ, है ना? सर मैं सीख रहा हूँ। 15 as opposed to 4 सेम 15 15 15 आप मुझे सिखा सकते हो? ये तो सिखा दो। मैं भी सीखना चाह रहा हूँ। तो मैं से सस्ती नहीं रुकती मैं। हाँ मैं रुकेगा, अब बीवी नहीं है लेकिन। या बट सच बोल देना चाहिए, है ना? मतलब के ऐसे कैसे के हाँ मैं रुकेंगे। एक्सपीरियंस बहुत दिख रहा है वैसे भाई का, है ना? मानना तो पड़ेगा। ये समझ जाती है, झूठ बोल दिया तो समझ जाती है। समझ जाती नहीं, झूठ मत बोला के मतलब के नो नो यू लुकिंग, यू आर नॉट लुकिंग गुड टुडे, पेट जाएगा। लाई, आई एम टेलिंग यू लाई। इन मामलों में झूठ बोल के बच के निकलना बहुत अच्छा है, द बेस्ट थिंग। हम लोग हाँ भाई, आपने कितनों को झूठ बोला है? मैंने एक आध दो को बोला होगा। अच्छा बस। हाँ भाई, थोड़ा टाइम लगा आपको काउंट करने में, थोड़ा बहुत आपने टाइम लगाया। एक आध दो कभी नहीं बोला है क्योंकि आई बीन लकी विद दैट इज कंसर्न। लकी विद विद I've been fortunate के नहीं, जो भी लड़कियां आई हैं लाइफ के अंदर, मीन जो गर्लफ्रेंड रही है, वो खूबसूरत रही हैं और अच्छी रही हैं, बहुत अच्छी रही सबके सब, सब सबके सब। अगर कोई गड़बड़ रहा है तो यही गड़बड़ रहा है, बाकी एवरीवन हैज बीन वेरी नाइस। तो आप लोगों के पास 15 सेकेंड है और स्टार्ट होते हैं अब। और रिमार्क्स गेट सेट रेडी गो। क्या है ऐसे के मैं बोलता हूं, तो देखी जाएगी वैसे भी हार गए। सो आयुष एंड राम ने लगाया है 60% पर, रोनित एंड वरीना ने लगाया है 66% पर। आज देखें कि कितने सारे झूठे हस्बैंड इस हिंदुस्तान में। Come on, roll the golu. दो तो ये, तीन तो ये। Oh. 54% झूठे हैं पति हिंदुस्तान में, लायर पति 54%, एंड इन्होंने लगाया 60, दे थिंक मोर लायर, इन्होंने लगाया 66, मोर लायर। पति ही पति, देखो ये देखो पति, ये पति। मेरे हिसाब से हम लोग बेटर है। राम, हाँ आपका एक फैन है। अच्छा, कहाँ है भाई, कहाँ है, कहाँ है? और नहीं, और ये मत समझिए कि आपका एक लौता फैन है, आपके बहुत सारे फैन है, बट एक लौता यहाँ पर आया। अच्छा अच्छा, वो आपसे कुछ बोलना चाहता है। अच्छा हाँ, किधर है भाई, कहाँ है भाई लौता? अरे सर, हाँ सर, आप राम के फैन है या साइज के फैन है? सर दोनों भी। पहला बम देखा मैंने पेट पर। सर मेरा नाम राजेश है। हाय, मैं आपसे एक बात से बहुत शिकायत है मेरी, बहुत बड़ी शिकायत है। अरे भाई क्यों, क्या कर दिया मैंने भाई? पेट लग लो इनसे। आप फैन हो और शिकायत कर रहे हो भाई? सर वैसा है कि आपने जब से वो सीरियल निकाला है बड़े अच्छे लगते हैं, हाँ, तब से मेरी बीवी शिकायत करती है कि मैं आपकी तरह रोमांटिक नहीं हूँ। अरे बाप रे, सच में? और तो और जब लड़ाई होती है तो ये बोलती है कि मैं ठीक तरह से इजहार नहीं कर पाता, मुझे आपसे कुछ सीखना चाहिए। वो कहती है सीखो, राम कपूर से कुछ सीखो। तो सीखा तो सही, बड़े अच्छे लग रहे हैं। हे
एक मिनट, आपकी आपकी बीवी ये है, आप है जी, जी, आपका जी. नाम क्या है? आप एक काम करिए, आप इधर आ जाइए, इधर आए, इधर आइए, आ जाइए, आप दोनों आ जाइए जी सर. संभाल के, संभाल के, संभाल के, प्लीज संभाल के. आप इधर. हेलो, क्या नाम है आपका? सेजल. सेजल, आप इनसे शिकायत क्यों करती हैं? क्या करूं सर, मैं बहुत तंग आ गई अपनी लाइफ से. ये बिल्कुल ही रोमांटिक नहीं है. मुझे तो सोच रही हूँ कि मेरी लाइफ में रोमांस स्टार्ट होगा या नहीं. मैं सच में बोर हो गई हूँ इनसे. रोमांस? यस सर. सर रोमांस में क्या क्या इंक्लूड होता है? एवरीथिंग सर. प्यार से देखना, everything. प्यार से बातें करना. वो भी नहीं कर पाते आप? सर आप बोलिए सर, करता हूँ. प्यार से बात भी नहीं कर पाते? नहीं, नहीं सर, करता हूँ, वो तो सब होता है. कैसे बताओ जरा, हम सबके सामने इतनी खूबसूरत, नहीं थी खूबसूरत मिसेस पाई है आपने. थैंक यू. हमने सामने खड़ी हुई, चलो यार कुछ तो करो, कुछ सर, आप कुछ हेल्प कर दीजिए. मैं क्या हेल्प करूं सर? प्लीज आप सिखा दीजिए इनको, तो प्यार का इजहार करना भी नहीं आता. अच्छा इधर आई, आप जरा पास आई, इधर आई. आपके बच्चे हैं? नहीं सर. नहीं? हाँ हाँ. नहीं मतलब सर, रोमांस आएगा तो ही तो बच्चे आएंगे ना. भाई एक इनका हाथ पकड़ी. बिल्कुल. कितने साल हो गए शादी को? सर 8 साल. तो इनकी कंप्लेन तो जायज है. आप अपनी आंख बंद करिए, अभी आप इमेजिन कीजिए राम कपूर आपके सामने खड़ा है. सर फिर मेरा क्या होगा? अरे नहीं नहीं, मैं आप ही के साइड में हूँ, मैं आप ही के साइड में हूँ. आप आंखें बंद करिए, अभी आप इमेजिन कीजिए कि जो आप सुन रहे वो आपका पति आपको बोल रहा है. ठीक है? ठीक. अब भाई जो मैं बोलूंगा ना, थोड़ा एक्सप्रेशन, थोड़ा फीलिंग वीलिंग दिखा देना. बिल्कुल. हाँ हा? बिल्कुल, ज्यादा नहीं. तू आंख बंद मत कर, आप आंख बंद कर. हाँ रेडी? यस सर. हाँ. अरे इधर तो, उधर क्यों देख रहा है? इनको देख. हाँ आंखें बंद ना, अभी मेरे बात बोल. तुम कभी बारिश बंद कर मेरी आंखों में आती? तुम कभी बारिश बंद कर मेरी आंखों में? अरे फीलिंग के साथ, फीलिंग. हाँ. तुम कभी बारिश बंद कर मेरी मेरी सपनों में आती? सपनों में आती हो. तुम कभी चांदनी बनकर? तुम कभी चांदनी बनकर मुझे नींद से जगाती? ये चांदनी कौन है? तुम कभी फिजा की तरह? तुम कभी फिजा की तरह? फिजा भी है तुम्हारी लाइफ में? मेरे होश उड़ाती हो? मेरे होश उड़ाती हो. तो कभी कभी? तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. गीली मिट्टी से सौंधी खुशबू दे जाती हो? गीली मिट्टी से सौंधी खुशबू दे जाती हो. तुम जहां भी रहोगी? तुम जहां भी रहोगी मेरे दिल के पास रहोगी? मेरे दिल के पास रहोगी. सो गई मैडम. मुझे हर जन्म में, मुझे हर जन्म में तुम्हारी ही तलाश होगी, तुम्हारी ही तलाश होगी. आई लव यू, आई लव यू. आहा, तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा. बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा. बन जा तू मेरी. अब आप खुश हैं? यस. अब आप शिकायत नहीं करेंगी? नहीं जी नहीं. गाल पे किस तो कर दो सर, सबके सामने. अरे गाल पे बोल रहा हूँ भाई, गाल पे. Thank you. वाकई में आप लोग शादीशुदा हो? Yes sir. Yes sir. Yes sir. और 8 साल हो गए? Yes sir. Really? तो 8 साल के बाद क्या रोमांस? दूसरा प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों का दिल कभी वैलेंटाइन डे पर
टूटा है, बड़ा डिजास्टर। What percent of Indians have at least once had their heart broken on Valentine's Day? कितने खुश नसीब है वो लोग। तो राम, आपका दिल वैलेंटाइंस डे पे टूटा था या जुड़ा था? जुड़ा था भाई। लोग, मेरी शादी वैलेंटाइंस डे पे हुई थी। हमारी शादी जब तय हुई, वो दो तीन डेट्स आए, आई थिंक 14, 15, 16 ऐसा कुछ आया। एक 14 था। मैंने बोला लॉटरी खुल गई यार, उसी में कर दो, गिफ्ट एक बचेगा पर ईयर। और कितने साल पहले आपकी शादी हुई? 15 साल। 15 साल? यस। अरे माय गॉड, वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू सर, वेरी डिफिकल्ट। तो आपके पास 15 सेकंड है। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। 70-70. राम एंड आयुष ने लगाया 75% पर, एंड रोनित एंड वरीना लगाया 65% पर। आए देखें कि कितने हार्ट ब्रोकन ऑन वैलेंटाइंस डे। ये यू चीटिंग, यू आर अ चीटर, यू आर अ चीटर। अरे नहीं यार, ये भी क्या है? 26%। ये तो दोनों गलत हो गए यार, 65। तू एक बात बता, जब तू जीतता है तो आई फील हैप्पी फॉर यू। तो मैं सर, आप इन्हें ज्यादा केमिस्ट्री मुझे आप दोनों की लगी। How does your wife feel about that, sir? अरे सर, she is very happy. She says, सारे सेट में लड़कियां सेफ है, लड़कों के साथ जो करना करो। नहीं नहीं, we have a great understanding, sir. मैं बस मस्ती करूं। She must be very understanding, sir. अच्छा, आपने इस पिक्चर में बैले किया है? जी बिल्कुल किया। हाँ, जो आप सुना है, जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे अमेरिका के अंदर, एक्टिंग स्कूल आपने ज्वाइन किया था, तो आपसे उन्होंने बैले करवाया है? सुते आ गया भाई। नहीं सर, आप थोड़ा पस पस। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं कुछ नहीं किया सर। आइए, सर मैंने बहुत बहुत अच्छा कर दिया। आप सब आ जाइए, आज stand straight. Okay. Stand straight. Hands like this. Hands like that. Bum bhar. Oi! Chest. Sir, ये कैसा बैले है सर? Sir, ये कैसा बैले है सर? Okay, come. Chest ऊपर. Yeah. क्या बात कर? पेट का थोड़ा इशू है। अरे फिर पिछवाड़ा निकल आता है यार। Now stand on your toes. Yes, toes. Music please. Leg piche. Ye ballet. Yes. Ballet. I thought this was ballet. Yeah, I thought. मैंने भी आर किया ballet. तो अब आते हैं आपके तीसरे प्रश्न पे। कितनी प्रतिशत भारतीय सास और बहुओं को सास बहु सीरियल साथ में देखने की आदत है? What percent of Indian mothers-in-law and daughters-in-law have a habit of watching सास बहु सीरियल्स together? सर आप लोग तो, ये आप ही डिसाइड करो सर। ये आप, ये द स्पेशलिस्ट। You decide sir. स्पेशलिस्ट। मैंने कभी नहीं देखा सीरियल सास बहु वाला। आपने मेरा सीरियल नहीं देखा? नहीं, मेरी मॉम ने देखा है, शी इज अ बिग फैन ऑफ योर्स। तो मम्मा ने कहा कि हु इज प्लेइंग योर डैड, तो मैंने इनका फोटो भेजा, तो शी इज लाइक, अरे, उन्होंने कहा कि अरे वाह मिस्टर बजाज। आई वाज लाइक, नहीं मॉम, रोनित रॉय। नहीं नहीं, यही मिस्टर बजाज है। Then I googled and I, मुझे पता चला कि अच्छा इन्होंने एक सीरियल किया था जहाँ पे इनका कैरेक्टर का नाम है मिस्टर बजाज। मिस्टर बजाज जी। आपने इनके कोई सीरियल देखे?
That's upsetting. आपका शो कोई नहीं देखता। हाय। नहीं नहीं क्योंकि इनकी मम्मी ने रौनित के सीरियल्स देखे हैं। सर वो इसीलिए सर सर हाँ। इनकी उम्र हो गई मैं अभी बच्चा हूँ है ना तो अनुमान लगाने का वक्त आ चुका है 15 सेकंड है आपके पास ऑन मार्क्स गेट सेट रेडी गो सर आप लगाओ आधे आधे मेरे को नहीं करो करो बोल रहे हो ज्यादा टीवी पे देखते ना सर रोलू गोलू क्या बोलते हैं सर ये नीचे सर 36% ओहो रोनित एंड वरीना 40,000 दो करेक्ट जवाब इधर हरा दिया मुझे शिवलरी यार दे 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 तो आज राम कपूर एंड रोनित रॉय जो हर घर में हर टीवी पर छा चुके हैं और आज फिर टीवी पर आए तो एक्टिंग तो करनी पड़ेगी भाई उत्तरी लेकिन आज हम आपको देखेंगे एक नए अवतार में क्योंकि आज आप बनोगे वही टिपिकल टीवी के किरदार लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में हम आपकी सिचुएशंस, कैरेक्टर और एक्शन को बदलते रहेंगे और आपको उसी हिसाब से कैचअप करना होगा सर एक रिक्वेस्ट है सर आपसे मुझे ना इस आदमी पे शक हो रहा है जब से ये शो पे आया देखिए देखिए आप ऐसा कोई सिचुएशन मत दीजिएगा जिसमें ये मेरा फायदा उठा ले सर मैं डाल रहा हूँ सर इससे सर मामा की गारंटी मैं देता हूँ चलो नहीं वैसे है तो मेरा भाई जी लेकिन आज पहली बार मुझे अपने भाई पे शक हो रहा है तो पहली सिचुएशन आप लोगों की ये है कि राम कपूर बीवी है शकुंतला रोनित रॉय मिहिर पति हेलो सुहाग रात है सर सर आपने वो बोलते ना थाली परोस के देना आपने थाली परोस के देनी है सर एक रिक्वेस्ट है घूंघट या दुपट्टा मिलेगा हाँ मिलेगा मिलेगा दो भाई दो पाजी घूंघट या दुपट्टा ले आओ देखो बांधनी आया है नहीं दो भाई दो ये सुहाग रात का दुपट्टा है भाई So, रौनित अपने दिल का बयां कर रहे हैं और राम शर्मा रही हैं। धीरे धीरे चुनरी सरकने लगी मेरी धक धक धड़कन बढ़ने लगी थोड़ा क्लोज तो आ जा बेबी मुखड़ा दिखा जा पीला पीते ही मुझे तो यारो चढ़ने लगी देखिए भाई मैं पहले से बोल देती हूँ कि आप जो ये वर्कआउट करते हैं ना हार्ड हार्ड हो जाते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे ना आप ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट ही पसंद है हाँ दूर रहिए शराफत से पेश आया करो आज हमारी सुहागरात है हाँ हाँ सुहागरात का मतलब समझते आपने दूध पी लिया जरा अपनी घूंघट ठाने पैसे तो पहले ऐसे नहीं घूंघट मुंह दिखाई के पैसे होते हैं सर कौन मुंह दिखाएगा सिचुएशन चेंज अभी रौनित ने घूंघट उठाया और देखा कि ये तो सासू माँ है अरे कर रहा यार चल स्टेट कैरेक्टर हाँ उठाओ प्रिय मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि तुमको प्यार व्यार करना आता भी है कि नहीं हाँ तो सासू माँ हाँ वो गरम दूध आपने छोड़ा था मेरे लिए हाँ मेरी बेटी को खुश रख पाओगे प्यार से रख पाओगे कि नहीं वो टेस्ट कर रही थी मैं अब सिचुएशन बदल गई अभी हाँ रौनित कन्फेस करते हैं कि एक्चुअली वो सासू माँ से प्यार करते हैं ससुमा
करीब आओ। बोलो क्या है सर, ये फायदा उठा रहा है देखो। अरे बोलो ना यार, कैरेक्टर मत छोड़ो। हाँ कैरेक्टर मत छोड़ो। हाँ क्या है सासू माँ? हाँ अपना कैरेक्टर पकड़ के रखो, क्योंकि मैं प्यार तो आप ही से करता हूँ। मैं जानती थी मैं हूँ ही सेक्सी। एक और ट्विस्ट है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, रौनित आदमी नहीं नागिन है जो बदला लेने आई है। ससुमा और करीब। ससुमा और करीब आओ। यार मेरे को सांप बाप से बहुत डर लगता है, तू दूर रहे। हाँ भाई हो गया भाई, हो गया, हो गया भाई। थैंक यू थैंक यू। ये बाकी था। चलिए चौथा प्रश्न ये है आपका खे। कितने प्रतिशत शादीशुदा भारतीय पुरुषों ने अपनी शादी में चुराई गई जूतियां बगैर पैसे दिए ही वापस ले ली थी? What percent of married Indian men have, during their wedding, managed to get back their stolen jutis without giving any money for it? जैसे इनकी शादी के अंदर इन्होंने क्या कितने दिए थे भाई मेरी बहनों को? भाई अच्छे में negotiate अभी तक कर रहा हूँ। अभी तक कर रहा हूँ। शादी हो गई, बच्चा हो गया, बच्चा इनसे पहले launch हो गया आहिल। भाई क्या था कि जो जूती का डिमांड था उतनी की जूती नहीं थी, तो अभी तक चल रहे हो। वो हमेशा होते रहेगा। yeah. तो आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ है? तो मैंने नंगे पांव शादी की थी सर, भाग के। पर सालियों को मैं ऐसे ही मैं देता रहता हूँ पैसे। सालियां बड़ी लकी। मुझे भी बना दो भाई, मैं भी आपकी साली बन जाऊंगा। सर इसको कुछ बोलो, एक करप्टेड आदमी है। सर ऐसा कुछ मैं दूध से धुला हूं। अच्छा मेरी शादी में दारू थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी मेरे से, तो मुझे याद दिए, जूते आए वापस, कपड़े आए वापस, कुछ याद दिए। अगले दिन सुबह बस मेरे को पता चला मैं शादी शुदा हूँ। तो आपके पास 15 सेकंड है। हाँ। Money marks, get set, ready, go. तो राम और आयुष ने लगाया है 20% पर, रौनित एंड वरीना ने लगाया है 11% पर। Come on, roll the golu. नहीं नहीं नहीं, वही बस। 25%. अब मैं आपसे पूछने वाला हूं आपका पांचवा सवाल। पांचवा प्रश्न है ये कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी दर्शकों के सामने स्टेज पर डांस किया है? What percent of Indians have at least once danced on stage in front of an audience? आपने कभी किसी के सामने ऑडियंस के सामने डांस किया पहले? नहीं। अरे इतने सारे गाने किए आपने अभी शूटिंग के दौरान? हाँ ये है ना, शूटिंग के दौरान हर गाने के अंदर ऑडियंस था। हाँ हमारा पहला गाना जो शूट हुआ वो लंदन में हुआ था। वरीना को पहली बार मैंने डांस करते हुए देखा तो मैंने कहा ठीक है, मतलब मैं अच्छा कर लूंगा ये, तो मैं नहीं नहीं जो इंसिडेंट था वो बताओ। इट्स ओके। नहीं नहीं एक्चुअली वरीना को पहली बार इंस्ट्रक्टर ने बोला कि एक घाघरा उठा के चलो, तो वरीना ने घाघरा ऐसे लिया, ऐसे उठाया और चलने लगी। तो हम लोग पहले एकदम से दंग रह गए कि ये क्या हुआ है। मैंने सोचा कि चलो वरीना को टाइम लगेगा, एक महीना जाएगा सीखने के लिए। मैंने ब्रेक ले लिया। जब मैं वापस आया तो फर्स्ट क्लास में देखा वरीना 10 टर्न्स करती हुई घूम रही है घाघरे के साथ। कई बार ऐसा होता था फिल्म के बीच में इतना अच्छा डांस करती थी, मैं बोलता था देखिए डांस टीचर मैं हूँ, मेरी बेइज्जती मत कर, थोड़ा कम डांस कर। तो आपके पास 15 सेकंड है, स्टार्ट होते हैं अब। वो 4 रुपए ज्यादा। डोंट लुक वरीना, चीटिंग कर रहे। नहीं, ही इज नॉट, ही इज टॉकिंग, ही इज नॉट लुकिंग। नो डोंट लुक वरीना, नॉट कूल।
So Ram and Ayush ne lagaya hai 51% par and Ronit and Vareena ne lagaya hai 46% par. Come on, Rolu the Golu. Rolu the Golu. Chalo upar. Aye. 45. Fantastic. 45% aur Ronit aur Vareena lagaya 46% par. सर भाई हम घर चले जाएं सर आप चीटिंग में भी हार रहे हो देखो हम घर चले जाते हैं हम घर चले जाते हैं आप लोग ही खेलो ये अच्छा था आप चीटिंग में भी हार रहे हो तो हम यहाँ डांस की बात कर रहे हैं और नवरात्रि फिल्म डांस गरबा इन्हीं सब चीजों के ऊपर बेस्ड है थोड़ा सा सेलिब्रेशन यहाँ से शुरू करते हैं और फिल्म तक लेके जाते हैं सो प्लीज वेलकम द गरबा ग्रुप भाई इन दोनों ने फिल्म में बहुत अच्छा नाचा है तो इन दोनों को नचाओ हम दोनों जाके बैठते हैं और इनको देखते हाँ वैसे भी ये थोड़ा अनसेफ है हाँ मुझे ले जाइए भाई आप चलिए भाई गुड लक थैंक यू Thank you. Okay. तो अभी आपका छठा प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय खुद को सब्जी काटने में माहिर मानते हैं? What percent of Indians consider themselves an expert in chopping vegetables? तो आप लोग सब्जी काटते हैं? मैं तो काटता हूँ सर। कभी नहीं काटी सर? कभी नहीं काटी सर। जिंदगी में कभी नहीं सर। काटी है भाई। काटी है? सब्जी क्या? जेल भी काटी है। आपने सब्जी काटी है? नहीं। देखो मैडम, इसमें हाँ बोलना बहुत जरूरी है। आपने सब्जी काटी है? जी हाँ, मैंने सब्जी काटी। बहुत अच्छे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके 15 सेकंड शुरू होने वाले हैं अब ऑन योर मार्क्स गेट सेट रेडी गो 35 ये चीट करिए कैसे ये चीट करिए देखो सर राम कपूर लगाया 35% पर एंड आयुष और रोनित एंड वरीना लगाया 36% पर आज देखें कि कितने सारे हिंदुस्तानी अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं सब्जियां काटने में हार गए सर नहीं हाँ जी ये जीते
अरे यू ऑल्सो थॉट यू लॉस्ट अब रोनित और वरीना मेरे साथ खेलेंगे सुपर सवाल तो आपका सातवां प्रश्न ये है कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी मौन व्रत रखा है What percent of Indians have at least once in their life kept a मौन व्रत आपको लगता है कि मौनी रॉय ने कभी मौन व्रत रखा होगा मुश्किल है सर मुश्किल है बहुत मुश्किल तो किसी ने यहाँ पे मौन व्रत रखा है जी बिल्कुल नहीं अगर आपकी मिसेज मौन व्रत रखती है कैसा लगेगा आपको बहुत डर लगता है मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट से बहुत डर लगता है मुझे नहीं नहीं वो मौन व्रत रखी है वो बीवी अगर किसी भी तरह का व्रत रखती है मुझे डर ही लगता है सच में कड़वा चौथ का भी हाँ मैं उस सबसे पहले उसको खाना खिलाता हूँ भाई कुछ मत रख प्लीज तू भी खा मैं भी खाता हूँ अच्छा ये खाने के बड़े शौकीन हैं इसलिए तो आपके पास है 15 सेकंड और मार्क्स गेट सेट रेडी गो तो राम एंड आयुष लगाए 18% पर एंड रोनित लगाया 29% पर आइए देखते हैं कि रोलू द गोलू क्या कहते हैं कि कौन जीतता है लेट्स सी रोलू द गोलू कम ऑन All the Jains keep mourning. हाँ. अबे this is not right यार. ये रोलू गलत है यार. आहा आहा. रोलू सही है. So आयुष और राम जीते हैं सातवां point and आ गए 60,000 रुपए पर. आइए पाजी चेक और हैम्पर ले आइए राम एंड आयुष के लिए. सुपर सवाल खेलेंगे हमारे साथ रोनित एंड बरीना एंड दिस इज अ चेक फॉर राम एंड आयुष आप फैमिली एरिया में यहाँ पर बैठ जाएं हाँ, और मैं खेलता हूँ इनके साथ सुपर सवाल तो आइए हम खेलते हैं सुपर सवाल रोनित एंड बरीना के साथ सुपर सवाल जाहिर है कि एक ही सवाल है इस सवाल में एक खिड़की है वो खिड़की है 10% की खिड़की अगर आपका अनुमान उस 10% की खिड़की में सेट बैठता है तो आपकी पूंजी 10 गुना बढ़ जाएगी यानी कि आप कमाएंगे 8 लाख रुपए आइए देखते हैं कि आपका सुपर सवाल क्या है कितनी प्रतिशत अविवाहित भारतीय महिलाएं शादी के बाद अपना सरनेम बदलना नहीं चाहेंगी What percent of unmarried Indian women would not want to change their surname after marriage? Between 20 to 30. In India, it's... Aapki missus ne change kiya surname? Ji, sir. Kalyani missus ne to mera surname bhi le liya, naam bhi le liya. Kaise? Unhone apna naam rakha hai Neelam Ronit Roy. Oh. Aapki missus? Kapoor. Gautami Kapoor kar diya usne. Aur pehle kya tha? गौतमी गाडगिल महाराष्ट्र आयुष भाई अर्पिता ने क्या नाम रखा है अर्पिता खान शर्मा भाई अर्पिता खान शर्मा वरीना अपना सरनेम बदलना नहीं चाहेंगी मैं तो चेंज कर दूंगी चेंज कर दूंगी ना एक रफ अनुमान लगा लीजिए आप वी शुड कीप इट सेट कर दिया आपने जय माता दी बोलकर 8 से लेकर 18% पर अब देखते हैं रोलू द गोलू क्या परसेंटेज दिखाते हैं आइए रोलू द गोलू कम इन एक्शन Oh, fuck, yeah. तो बैठो
What? 67%. That is why this is super sawal. I'm shocked. 67% of Hindustani nariyan surname badalna nahi chahti shaadi karne ke baad. Dekh, unki khud ki bhi ek wajood hoti hai, ek reckoning hoti hai. इसलिए कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करके दोनों सरनेम रख लेती हैं। तो ये तो गए भाई 8-80 ही बचे, लेकिन सोनी का दिल बहुत बड़ा है, हिवड़ा बहुत अच्छा है। पाजी लेके आओ सोनी के हिवड़े को। सोनी ने आपको 5 लाख रुपए दिए हैं अटैच टू योर 80,000 रुपए, तो हुए 5,80,000 रुपए। राम कपूर साहब, हाँ जी, आयुष शर्मा सर, आपको भी 5 लाख दिया है। ओए तेरी, ओए थे आओ। थैंक यू सोनी, ये ह्यूमन में जा रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि मेरे अकाउंट में से मेरे डेमिनेशन से काटो 5-5। आज हमने बांटा ढेर सारा प्यार और ढेर सारे पैसे भी, और ये पैसे जो बहुत सारे लोगों के काम आएंगे, इसलिए आप भी अच्छे अच्छे काम करो, हिंदुस्तान का बड़ा नाम करो, एंड देन कुछ तो पैसे इनकी तरह दान करो। थैंक यू।